वाह, नॉन स्टॉप कॉमेडी फॉर 15 मिनट्स, कहीं भी आपको बोर नहीं होने देता ये बंदा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे दोस्तों। मेरा नाम है फावाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। अभिषेक उपमन्यु इंडिया का बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन है, टॉप रेटेड स्टैंड अप कॉमेडियन में उनका नाम आता है। एक साल से उनका कोई वीडियो यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं हुआ, मेन स्ट्रीम पर एक्चुअली। यू कैन से दैट फैंस में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे लाइव शोज़ में, न्यूयॉर्क, कनाडा, यूके, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर। इस वजह से शायद उनको टाइम नहीं मिला। तो अभी उनका वीडियो ड्रॉप हुआ है, मेरे चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ ने मुझे धमकियाँ लगाना शुरू कर दी, क्योंकि मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर रहा। ये वीडियो काफ़ी टाइम से आया हुआ है और मुझे टाइम नहीं मिला था बेसिकली बिकॉज ऑफ रमज़ान अल मुबारक, तो मैं इस पर रिएक्शन दे पाऊँ। तो आप लोगों को भाई मजीद नाराज़ नहीं करना चाहता, तो आइए मिलके अभिषेक उपमन्यु का ये वीडियो देखते हैं। अभिषेक उपमन्यु, थैंक यू फॉर कमिंग सैटरडे को। दोपहर को तुम आ गए, अच्छी बात है। सही बात है, सैटरडे। पता है मैं माही में रहता हूँ, वहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं, वहाँ मेट्रो बन रही है इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों क्या जरूरत है, मेट्रो बन तो रही। मैं यहाँ पुणे के आया हूँ पूरा घूम के, ऊपर से मैं दिल्ली था। मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारे मेट्रो बन रही है। मैं लाहौर वाले दिल्ली वाले को बोलते, मुझे क्या बता रहे हो तुम ये। कमिंग, अब मैं मुंबई में रहता हूँ और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया और मैं वो पीवीआर में नहीं गया, मैं उसमें गया, वो सिनेमा हॉल नहीं होता वो सिंगल स्क्रीन, हाँ बहुत सही होता है वो, क्योंकि वहाँ ना पॉपकॉर्न खरीदे नहीं पड़ते, पहले सीट पे गिरे होते हैं। सफाई भी होती है। हंसने की बात नहीं है, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक्स सर्व करने का। सर स्नैक्स कहाँ है, आपके गांड के नीचे। और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेवकूफ की तरह। अच्छे तो हैं वैसे, फ्री के लिए तो अच्छे ही हैं। तो मैं बालकनी होता है, लोरसोल होता है, और मैं कभी लोरसोल गया नहीं, एक बार गया था, मेरे दोस्त भी रह गया था, बड़ी अजीब बातें करके ले गया, कहता लोरसोल चलना, मैं मुझे जाना, कह रहा चलना, मैं क्यों, कह रहा यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मतलब क्या क्या हरकतें करते थे, फिकर नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं। आजा 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 आजा। I can relate in my job. ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। Oh. आप समझ रहे? ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं बस कल लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे कह रहे ओए याद है जब चाइनीज, मैं चबा रहा हूं मैं अभी यार। पेट तो पूछते खाने को। तो ये ना फालतू की फील में रहता है, ये क्या करता है, ये दोस्तों के यहाँ बैठ के वो चीज़ें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। फालतू में जैसे चार दोस्त बैठे हैं, किसी ने जोक मार दिया, सब हंस दिए, ये दोस्ती के पल। मैं जीने होते पलों को पहले तो यार, पलों के बीच में तू बोलता रहता है, बाद में जब पल याद करते हैं तेरी आवाज आती रहती है उसमें। सच में ऐसे में एक गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम हरकतें थी, वी ब्रोक अप बट वाज म्यूचुअली डिसाइडेड दैट आई डोंट डिजर्व हर, वाज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट। लड़ाई होने लगी थी ना, कितनी लड़ाई करोगे आप, एक ही लड़ाई कितनी बार करोगे। म्यूचुअली डिसाइडेड, जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे एंड शी इज लाइक ओए कोई मोमेंट बना, मतलब के रिलेशनशिप्स में मोमेंट्स होते हैं ना, मैं कहा होते हैं होते हैं, कहीं तो बना फिर। मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ, क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा, अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी। बहुत सारा सेइंग है, थिंग इज नथिंग मेमोरेबल अबाउट दिस ड्राइव टू रिमेंबर लेटर। तो मैंने खंभे में गाड़ी ठोक दी। खंभे में ठोक दी।
कहा आप पक्का याद रहेगी हमें याद है वो पल जब छाती में स्टेरिंग घुस गया था हाय वो आईसीयू का वार्ड भुला ही नहीं बोलता देखो यार ये तो हो गए जोक्स खत्म अब मैं लाइफ में बताता हूँ कुछ यार आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था वो 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये अच्छा हमें सतर्क रहना है हमारी गलती है मतलब सारी और जब बड़ा हुआ था तो समझ आया क्या फुद्दू शो है वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना क्या बात है वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके इन्होंने आज तक गवर्नमेंट की गलती निकाली इन्होंने आज तक क्रिमिनल की गलती निकाली ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया है क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है सारे अब पता है इनको एक तरीका आता है इनको एक ही तरीका है इनके पास फोन रिकॉर्ड निकालना ये बस फोन रिकॉर्ड निकाल देते हैं पुलिस वाले जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया इंडोर जॉब है वो सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं इंस्पेक्टर साहब इसका मर्डर हुआ क्या करना है बहुत सिंपल है जिसका मर्डर हुआ पर उसके सारे दोस्तों को बुलाओ सारे दोस्तों को खड़ा करो यहाँ लाइन में अब सबके फोन रिकॉर्ड निकालो निकाल लिया दिखाओ जरा इधर हाँ तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी तुम वो मर्डर कह रहा मैं ही हूँ टफ डे एट वर्क ये बताइए ऐसे बंदे का मर्डर हो गया जिसके दोस्त ही नहीं थे पुलिस की गांड ही फट गई क्या कर गया ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार तो नहीं पता कि इनको ऊपर से प्रेशर आया तो पता है ना क्या किया मैं झूठ नहीं बोल रहा मैं सारे एपिसोड देखे हुए हैं इन्होंने पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड निकाल लिए पूरे शहर के और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कौन कौन से लोग मर्डर स्पॉट के पास घूम रहे थे मर्डर के टाइम पे सबको खड़ा किया खड़ा करो निकाल सबके फोन रिकॉर्ड इनको शौक चढ़ा ना मर्डर करने का बताते हैं तुम्हें ये मर्डर स्पॉट के सबसे पास मर्डर के टाइम पे तुम्हारी लोकेशन दिखा रहे हैं तुम वो मर्डर मैं तो नहीं हूँ क्या तार तुम ही हो ना मैं ही हूँ हाँ That's easy. क्यों पता है क्राइम पेट्रोल ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है ये उसका नाटकीय रूपांतर बनाते हैं और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी है हाय पापा उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा कोई मर गया तो मजे ले रहे उसके उसे पता था मतलब और इसको पूरा डे दिखा देते हैं पूरा डे की लड़की सुबह उठी हाय पापा पापा को पप्पी हाय मम्मी मम्मी को पप्पी हाय कुत्ते कुत्ते को पप्पी मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे मैं मेरे घर में तो ऐसी सुबह नहीं होती सच में मैं उसको देख के सोच रहा था मैं हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं कहीं हमें तो प्यार ही नहीं इतना यहाँ सुबह उठ के हमारी नहीं पप्पियाँ झप्पियाँ चल रही लड़ाइयाँ ही चल रही उल्टा ये वो टाइम उठने का आप चुप रहो तुम चुप रहो मैं ठीक है उसमें दिखाया था कि सुबह सुबह टाइम था उसका बाप सो रहा था और ये उठ के जा रही थी और पहले तुम्हें बाप से पहले उठ गए मैं तो नहीं मानता ये सब अपने बाप से पहले कौन सो के उठता है मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता
सच में वो दादा जी रात के 3 बजे से सुबह हो गए मैं सो जा आप यार बहुत खराब है भाई हम सोने जा रहे हैं अभी नहीं नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे इनका दिमाग खराब हो रहा है इनके दांत उखाड़ो इधर लगा जा बाद में मिलेंगे सो जाओ चुपचाप उसमें दिखाया कि उसका बाप सुबह का टाइम था उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है धूप आ रही है चादर लेकर उसको देख के मुझे नींद आ रही थी उसमें बहुत मजे में सो रहा था आराम से सो रहा है ये आई अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई कहती उठो पापा उठो क्या करे पापा सुबह हो गई कितना सोओगे और उसके पापा क्या बोल रहे हैं ओहो शैतान आ गई बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है क्योंकि अगर मेरा बाप सुबह वैसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं तब होगा असली क्राइम पेट्रोल छोड़ो मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला वो जो बोलेंगे बाद में उन्हीं को शर्म आएगी पर ड्रामा बनाने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार मर्डर हुआ है एक एपिसोड बनाने हैं दो तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गेस करना है क्रिमिनल कौन होगा क्या पता बाप ही निकले और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए था और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था मुझे पहले ही पता चल जाता था कि क्रिमिनल एक्टर है इनके पास ठीक है उन्हीं में एक गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रह गई अब इसकी बीवी का पड़ोसन छिड़ जाएगी आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है क्या चक्कर नहीं बहन जी देखो वो तो एक्टिंग होती इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी हाँ बच्चों दूर रखो उसको आप बस चलो बेटा बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी क्राइम पेट्रोल है ना सॉल्ट केसेस दिखाते हैं सॉल्ट केसेस ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं जब आप देख रहे हो एपिसोड उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में वो सजा काट रहा है वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड दिख रहा था मैं दिखा रहे हैं आज हाँ ऐसे ही मारा था यही बातें तो बाद में याद आती हैं बंद कर दिया मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार मैं दिमाग खराब हो रहा था सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको मेरे सपने मनुष्य नहीं आता था मैं ये कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं मेरे सपने में अनूप सो नहीं आ रहा है नहीं बंदा बुरा नहीं है पर सपने में आया लाइक भी नहीं है ना बंदा मैं पार्टी में आ रहा हूँ लोग कह रहे हैं बाय मैं सतर्क रहे हैं सुरक्षित रहेंगे मैं कुछ अच्छा देखते हैं जिससे कुछ इंटेलिजेंस बढ़े तो मैंने मतलब कुछ फायदा तो होना एजुकेशन तो मैंने कॉस्मोस देना शुरू कर दिया कॉस्मोस पता आपको कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है यूनिवर्स पता है ना बहुत सही होता है मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी बस में कुछ चीज़ मुझे अजीब लगी वो ना बोल रहे थे कि हम अर्थ पे हैं वो अजीब नहीं है वो तो शुक्र है बाकी प्लैनेट्स तो बहुत ही छोड़ो बाकी प्लैनेट्स की बिचिंग करने नहीं आए हम यहाँ पे ठीक है कहते अर्थ हम अर्थ पे हैं अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है तो कहते हैं सिर्फ बिलियन सोलर सिस्टम मिलाओगे आप बिलियन जाके एक गैलेक्सी बनेगी सिर्फ बिलियन गैलेक्सीज मिला दो एक लोकल ग्रुप बनता है फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो अब बचा एक और बिलियन और जब ऐसे 5-6-12 बिलियन लगा लोगे तब जाके हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को और पक्का है पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को तो रहन दो फिर तुम बस सिलेबस बढ़ा रहे हो बच्चों का अब और ढूंढने का इतना शौक है कोई ढंग की चीज ढूंढ लो मेरी सॉक्स नहीं मिल रही आपने देखा बहुत सारे लोग यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है मतलब पर हमारे किसी काम की नहीं है पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग
आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? हाँ, स्टार से तो छोटे ही होंगे हम, पर स्टार का एग्जाम थोड़ी देना बैठ के, उसमें स्टार्स को बता रहे हैं। कहते हैं स्टार्स लाइट ईयर्स दूर है, लाइट ईयर्स मतलब लाइट को सालों लगते हैं वहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो बताते जो अभी आप स्टार देखते हो ना, एक्चुअल स्टार है भी नहीं, स्टार फटके मर चुका है वो, तो लाइट आपकी आँख में अब पहुँची है इसलिए आपको अब दिख रहा है। मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? वो पापा कहते दादी है नानी है फट गए सारे। बड़ी गंदी मौत मरे हैं। तो मुझसे को पूछता आपकी नानी कैसे मरी? मैं फट के। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग कॉमेडी, बहुत मज़ा आया ये वीडियो देखकर। इसके कॉमेडी टाइमिंग्स ब्रिलियंट थी, इसी वजह से अभिषेक उपमन्यु इंडिया के टॉप रेटेड स्टैंड अप कॉमेडियंस में आता है। क्या ज़बरदस्त टाइमिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक आपको बोर नहीं होने देता। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो तीन कॉमेडी के स्किट्स थे उसने एक साथ मिलाए और आप लोगों को हंसाने की कोशिश की है, और बहुत ज़बरदस्त कोशिश की है। एक्चुअली जो बात शुरू में की थी ना उसने, मेट्रो वाली, वही पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम है। लाहौर वाले कराची वालों को जो है वो चढ़ाते हैं, और कराची वाले बोलते हैं हमारे मेट्रो बन रही है, लाहौर बोलते हैं हमारी तो ख़राब होने वाली है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और जो क्राइम पेट्रोल वाली बात की सही बात है, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो विक्टिम को ही विक्टिमाइज़ करते रहते हैं, और जो असल में कल्प्रिट होते हैं या तो उसके बारे में एंड में बात की जाती है या उसके बारे में बात ही नहीं की जाती। इतना सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं, इतना सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं, ऐसा लगता है कि जो विक्टिम है असल में वो ही क्रिमिनल है। बहरहाल बहुत मज़ा आया, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा लेट कर रहा हूँ इस पर रिएक्शन। अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। ये वीडियो मैं इसलिए जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ कि ये बहुत ऑलरेडी लेंथी हो चुका है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का मज़ीद टाइम ज़ाया हो। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।